जनाब ये रहमान मलक ने ये जो तबलीगी जमात के मरकज रायवेंड के मुतलक ये दहशतगर्दी के हवाले से बयान दे दिया, ये क्या किया यार इसने? यार सच्ची बात तो ये है कि मुझे खुद अभी तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि रहमान मलिक साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखला ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। और मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है कि उन्होंने लाइलमी में ये बयान दे दिया होगा। जिम्मेदार आदमी है यार, हद हो गई है। और अपने मुल्क के अपने अपने बंदों के मुतलक जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनके मुतलक ये बयान दे दिया। हालांकि जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, जो मुसलमान के दुश्मन है, उन लोगों ने आज तक इस तरह की कभी जरूरत नहीं की, ना कभी अमेरिका की तरफ से ये तबलीगी जमात के मुतलक ऐसा बयान आया, ना कभी इंडिया की तरफ से, ना यूरोप के किसी मुल्क की तरफ से। उन्हें खुलेआम बयान देने की कभी जरूरत नहीं हुई, ना हिंदुस्तान को, ना अमरीका को, ना किसी और जो इस्लाम दुश्मन या सो कॉल्ड पाकिस्तानी दुश्मन कहा जा सकता है, इन मुल्कों ने कभी खुलकर बात नहीं की। लेकिन इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये कुछ अरसे से ये शरारतें जरूर कर रही थी, खासतौर पर हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि 2001 में रॉ ने, हिंदुस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने सीआईए को रिपोर्ट दी थी कि जो तबलीगी जमात है ये इसके कहीं ना कहीं पर कोई अलकायदा के साथ रवाबत मौजूद है। लेकिन सीआईए का जवाब ये था कि इसके लिए हमें ठोस सबूत दरकार है, जो कभी भी रॉ फराहम नहीं कर सकी। और यार सीधा दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया, और उन लोगों पर जो बिल्कुल मिट्टी के माधु है। हम बचपन से लेके आज तक देखते रहे ये लोग बेचारे तबलीग के लिए गलियों मोहल्लों में निकलते हैं, इनके साथ किस किस्म का रवैया कई दफा अल्लाह माफ करे लोगों का होता है, उसके बावजूद मोहब्बत से प्यार से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कई मैंने देखा ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं बच्चे मोहल्ले में, लड़के और बंदे घरों में बैठे होते हैं, चौरी सदीक साहब घर है, अंदर से आवाज बदल के कह रहे होते हैं नहीं भाई जी नहीं है। ये बेचारे उसको भी शर्मिंदगी से बचा रहे होते हैं, इनको पता होता है कि ये बंदा आवाज बदल के बोल रहा है, उसके बावजूद कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो आए तो उनको कहिएगा असर के वक्त मस्जिद में आ जाए। इस तरह के लोग यार, इतना प्यार करने वाले और इतनी मोहब्बत और सुलझे हुए तरीके से बात करने वाले। देखो तबलीगी जमात पर आप यानी किसी हवाले से आपको नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं, उनके जो तबलीग की जो तरीका कार है उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनकी हिकमत अमली से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, फिकही इख्तलाफ आपको उनसे हो सकता है, लेकिन आप उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद कर दें, यानी जो उनका तुर्रा इम्तियाज है यानी सुलह जुई और अमन, ये तो तबलीगी जमात का हुस्न समझा जाता है। आप कर दिए प्रैक्टिकली, तुम देखो लाखों का मजमा होता है दुनिया का, मेरा ख्याल है अब तीसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर का वो बांग्लादेश वाला इत्तेमा हो गया, इतने तादाद में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बावजूद कभी तुम देखो उधर इज्तिमा के ऊपर एक बंदूक नहीं नजर आती। यानी सिक्योरिटी जो एहलकार है उनको बंदूक इस्तेमाल करने की, बंदूक हाथ में थामने की इजाजत नहीं है, वो डंडे पकड़ के गेट के आगे खड़े होते हैं और सिर्फ पूछ रहे होते हैं हाँ जी आपने आए जी जाए बिस्मिल्लाह आए, सबको वेलकम कर रहे होते हैं, इधर एक एमपीए जा रहा हो उसके साथ छह छह गनों वाले होते हैं। यार ये खुद रहमान मलक साहब के साथ कितने कितने बंदे होते हैं गनमैन, हालांकि इस तरह का बंदा रात को गली की नुक्कड़ पे खड़ा रहता है कल्ला बेचारा, ताकि कोई और बंदा आ जाए तो उसके साथ मिलके फटाफट घर तक पहुंचे। इस तरह के बंदे ने देखो तबलीगी जमात वालों के मतलब बयान दे दिए, हालांकि ये तबलीगी जमात वाले इतने सुलझू हैं, कई मस्जिदों में मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से, जिन इख्तलाफात ने हमारे मुल्क का पट्टा बिठा दिया, इन लोगों का सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो बेचारे एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल फिर आगे कर देते हैं और मार लो भाई। यानी तबलीगी जमात के किसी रुकन के लिए असलहा रखने की सख्ती से ममानियत, असलहा रख ही नहीं सकते आप। हाँ हालांकि इनमें बहुत बहुत तगड़े लोग होते हैं, खरबपति लोग तबलीगी जमात में जाते हैं, बहुत बहुत बड़े ऑफिसर रिटायर किया और हाजिर ड्यूटी किया, जर्नैल यार मैंने देखे हैं उधर, इतना इतना बड़ा बंदा उधर देखा है तबलीगी जमात में गया हुआ और उनके सामने उनकी बात सुन रहा है। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा सालाना इज्तिमा है वो तो एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर तमाम इख्तलाफात भुलाकर लोग जाते हैं कि चंद लम्हात के लिए यानी रूहानी सुकून हासिल करने के लिए वहां पे जाते हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं होती, देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी अहलदीस सब लोग बिला तमीज बिला तफरीक वहां पर जमा होते हैं, सारे फिरके वहां इकट्ठे हुए। इस कदर हार्श स्टेटमेंट दे दी है बगैर सोचे समझे, और उन लोगों के मुतालिक जो पूरी दुनिया में यूरोप पूरे में अमेरिका में तबलीग के लिए जाते हैं। भैया तुम खुद सोचो ना, अगर तबलीगी जमात पर किसी किस्म की पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शायबा भी किसी मुल्क को होता तो वो इस कदर आजादी और फराख दिली के साथ इन लोगों को वीजे जारी करता। यानी एफबीआई के मुताबिक, एफबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमरीका के अंदर
50,000 से ज्यादा एक्टिव अरकान है तबलीगी जमात के। बर्तानिया के अंदर 1360 मसाजिद में से 620 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर बाकायदगी के साथ तबलीगी जमात की जो वफूद है वो तश्कील पाते। लो, और ये रहमान मलक साहब का क्या ख्याल है, ये लोग बगैर इन्वेस्टिगेशन के इनको ये सारी सरगर्मियां करने देते हैं। हाँ, तुम ये देखो कि दुनिया भर में जितने भी टेररिज्म से निपटने के जो ग्रुप्स हैं, जो गिरोह हैं, तंजीमें हैं या मीडिया के इदारे हैं जो इस पर बहुत काम करते हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को एक खुला लाइसेंस दिया है बाकायदा तहकीकात के बाद। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है टेररिज्म के हवाले से, उसका यह कहना है कि तबलीगी जमात सख्ती से गैर सियासी और कभी भी वायलेंस में मुलविस नहीं पाई गई। इसके अलावा सीआईए का एक साबिक अफसर है जो इस्लाम के जो इस्लाम से रिलेटेड जो मौजूदात है उन पर बहुत एक्सपर्ट समझा जाता है, ग्रैहम फुलर, उसका यह कहना है कि तबलीगी जमात एक पुरअमन और गैर सियासी तहरीक है जो सिर्फ तबलीग का काम करती है। वाह। इसके बाद फ्रांस के जो नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के ओलिवर रॉय ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, उसने लिखा है कि ये एक मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और कानून की पाबंद जमात है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया है उसने। इसके बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो बारबरा डी मेटल है उसने लिखा था कि एक गैर सियासी खामोश तहरीक जो इंसान और इंसानियत के रिन्यूअल पर यकीन रखती है। यानी सिर्फ उसने इसको इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल कर बात की है। ये मेरा ख्याल है रहमान मलक साहब के बालों को जो गुंजल पड़े हुए ना उनकी वजह से इनका जेन जकड़ा गया हुआ है, वरना सियाने आदमी है हंसोना, सॉरी पढ़े लिखे आदमी है वैसे तो एमए नहीं वजीरे दाखला लग गए हुए। कई दफा मैंने सुना है अंग्रेजी का पूरा फिक्रा भी उन्होंने कई दफा बोला गलती से उनके मुंह से निकल गया। रहमान मलक साहब मेरा आपको मशवरा है जनाब, किसी दिन आप रायवंड तबलीगी मरकज में तशरीफ ले जाएं और जाके उनकी गुफ्तगू सुने हजूर। मुझे यकीन है कि 4-5 मिनट उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आपके गुंजलदार बाल बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए। इससे आपको दो फायदे होंगे जनाब, स्वाब का स्वाब और स्पाइक्स के स्पाइक्स। स्पाइक्स बड़े पैसे लगते हैं स्पाइक्स बनवाने पे। अगर बंदा चार बातें सुन के डिजाइन बनवा ले तो अच्छा नहीं है वो। यार वैसे पाजनैत कहीं ये तो नहीं कि मलक साहब रायबंड के खिलाफ बोलना चाहते थे? अच्छा, उनके मुंह से गलती से 7 तबलीगी जमात निकल गई। फोन करके पूछ लो। नाज़रीन, यहां मैं लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।